आज हम कच्ची कैरी की खट्टी मीठी सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होती है, आप इसे एक हफ्ते तक के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए कैरियों को अच्छे से धो लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सभी कैरियों को इस प्रकार काट लेंगे। अब इसे 5 मिनट तक गुनगुने पानी में डुबो कर रख देंगे। आप देख सकते हैं, मैंने इसे गुनगुने पानी में डुबो कर रखा था तो ये कैरी थोड़ी सी नरम हो चुकी है। अब इसे पानी में से निकाल लेंगे। कैरी की सब्जी में डालने के लिए लहसुन, अदरक और थोड़ी सी सौंफ को बारीक कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब इसकी सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें सरसों के दाने, जीरा और दालचीनी डालकर इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें ये कूटा हुआ मसाला डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालकर 1-2 मिनट तक के इसे हिलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें उबली हुई कैरी के टुकड़े डालेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे और गुड़ डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसे 5 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 5 मिनट बाद इसे एक बार मिला लेंगे और 2-3 मिनट तक पकने देंगे। जब कैरी के टुकड़े पक जाए और पानी गाढ़ा होने लगे तो गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमारी कच्ची कैरी की खट्टी मीठी सब्जी तैयार है। ये सब्जी रोटी और पराठों के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे साइड डिश के रूप में परोस सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नई नई रेसिपी वीडियोज़ देखने के लिए।